सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th. स्टूडेंट, केमिस्ट्री में हम लोगों ने डिफ्यूजन देख लिया था, डेंसिटी देख लिया था, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे, सॉलिड गैसेस एंड लिक्विड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देखा था. सो टुडे वी विल डिस्कस द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर. डिग्री सेल्सियस इज द कॉमन यूनिट ऑफ मीजरिंग टेम्परेचर, और इसको जो लिखा जाता है वो डिग्री सी लिखा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है. सो जैसे सपोज करिए, अगर किसी आइस का हम लोगों को मेल्टिंग पॉइंट पता करना है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है जीरो. तो जीरो क्या, सेल्सियस स्केल पर इसको हम लोग कहते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस. ओके, सो जो डिग्री सेल्सियस है ये टेम्परेचर को मीजर करने का एक कॉमन यूनिट है. इसके अलावा एक और कॉमन यूनिट है जिसके हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को मीजर करते हैं, और वो है केल्विन स्केल. सो अगर बताएं हम लोग टेम्परेचर को मीजर करने के ऐसा यूनिट की बात, तो टेम्परेचर को मीजर करने का ऐसा यूनिट केल्विन होता है. ओके, जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं. और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच एक रिलेशन आता है. जीरो डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है. तो मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों को केल्विन स्केल पर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस पर चेंज करना हो, तो डिग्री सेल्सियस में 273 अगर ऐड कर दिया जाए तो वो केल्विन स्केल के टेम्परेचर की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. सो स्टूडेंट एक बात आप लोग जान लें कि हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं उसके टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके. ओके, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करके कैसे मैटर का स्टेट चेंज किया जाता है. इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. तो फर्स्ट वन है जो मेल्टिंग. मेल्टिंग क्या होता है, जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं. द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग. ये वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है. और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है या मेल्ट करता है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. ओके, सो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, जीरो डिग्री सेल्सियस. नाउ वी विल टॉक अबाउट बॉइलिंग. बॉइलिंग मीन्स वॉट, लिक्विड टू गैस. दैट मीन्स चेंजेस ऑफ लिक्विड इंटू गैस. इसे हम लोग वेपराइजेशन भी कहते हैं. ओके, सो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इंटू अ गैस, वैसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस को हम लोग गैस में चेंज करते हैं हीट करने पर, ऑन हीटिंग, इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन. सो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स एंड चेंजेस इंटू गैस, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होकर गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या वेपराइजेशन पॉइंट कहते हैं. ओके, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है, बॉइल करना शुरू कर देता है. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड. सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग. किसी भी गैस को जब ठंडे करने पर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, तो यह प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है. बेसिकली ये बॉइलिंग का उल्टा होता है. जैसे बॉइल करने पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, वैसे ही उस किसी गैस को कंडेंस करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ओके स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग इतने ही नोट्स को राइट डाउन करेंगे. आप लोग इसे अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ. सो दिस इज योर केमिस्ट्रीज थर्ड टॉपिक. ओके, सो वी विल मीट अगेन विथ न्यू वीडियो. Till then you all just take care and goodbye.